पुलवामा के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। जहां से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला गुजरना था, वहां नक्सलियों ने माइंस बिछा रखे थे। जैसे ही जवानों का काफिला वहां पहुंचा, तो वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और इस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 16 जवान शहीद हो गए। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस की जिस गाड़ी को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसमें 16 जवान थे। एक दिन पहले ही गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने रोड बनाने के काम में लगी 27 मशीनों को आग के हवाले कर दिया था। इसी साल जनवरी में भी नक्सलियों ने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की है और इसे कायराना हरकत करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।